वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला बच्चों, और आज हम आपको लेकर आए हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंट फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये जितने भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो सारी चीज़ को अब हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ कि हम अब पढ़ चुके हैं स्लोप भी और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स भी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या मतलब होता है किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का। तो याद करो, तुम्हें क्लास टेंथ में कुछ इस तरह से 2x + 3y + 5 = 0 स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, और तुम कॉलम बॉक्स बना के x का वैल्यू y का वैल्यू रख के और तुम ग्राफ बनाते थे, दो पॉइंट बनाते थे और दोनों को ज्वाइन कर देते थे, ग्राफ बन जाता था। ठीक है, ग्राफ बन जाता था, तो इक्वेशन था ना ये 2x + 3y + 5 = 0। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का किसी भी, केवल स्ट्रेट लाइन का ही नहीं बल्कि कोई भी तुम्हारा कर्व हो उसके इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा नाम लिखना, ऐसा LHS RHS लिखना जिसमें उस कर्व का या उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट तो सेटिस्फाइड करे, लेकिन अगर उस कर्व से अगर हम थोड़ा सा हट जाएं तो वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे पॉइंट अगर हम -1, -1 ले लें, तो अगर हम इसमें डालेंगे तो -1 और -1 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि ये 2 × -1, क्योंकि ये x होता है ये y होता है, तो -2 - -3 + 5 क्या आएगा, ये भी -5 ये भी +5, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड किया। लेकिन वही अगर हम -1, 2 ले लेते हैं, तो x में -1 y में 2 मान लो यहाँ पे हो गया -1, 2, अब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ कि x की जगह पे आप माइनस रखोगे तो -2 और ये 3 × 6 प्लस में क्या ये 0 हो कर लेगा, नहीं, 6 × 5 = 11 में से 2 गया ना ही होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ये इक्वेशन की हर एक पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेंगे उसे सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन उसके बाहर वाले पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब यही होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब यही होता है, या किसी भी कर्व का इक्वेशन का मतलब यही होता है कि उस कर्व पर का तो सारा पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन जैसे ही उस कर्व से हट जाओगे वो कोई भी पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ गए, ठीक है ना, तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जरा सोचो कि एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसके पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन है उनके इक्वेशन क्या होंगे, तो जरा सोचो, इक्वेशन का मतलब होता है, एक और तरीका से समझ लो इक्वेशन को, कि ऐसा बात बताना जो उसी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी को शो करता हो। तो अगर हम बोलेंगे कि x एक्सिस के हमको पैरेलल लाइंस चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा बताना होगा ताकि वो पैरेलल इक्वेशन को ही शो करे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बोलें y = 2, तो y = 2 का मतलब हो गया कि आप x में कुछ भी कर लो लेकिन y की डिस्टेंस हमेशा 2 ही रहेगी। तो ये आपका ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, y = आप कर लो -2, ये हो गया इक्वेशन आपका नीचे -2 ओरिजिन से, y = -3, ये हो गया आपका ओरिजिन से -3, y = -3, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ, अगर x एक्सिस के पैरेलल बोला जाए तो y = कांस्टेंट होता है। और अगर हम बोलें कि अगर आपको इक्वेशन लिखना है x एक्सिस के पैरेलल नहीं बल्कि y एक्सिस के पैरेलल, यानी कि आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाना हो, ये सारे, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है आपका और ये आपका x एक्सिस है, तो ये सारे इक्वेशन लिखना हो, तो उस समय इक्वेशन हो जाएगा x = कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जरा देखो, ओरिजिन से आप 2 यूनिट अगर उधर हो तो x = 2 होगा, क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी, ऊपर नीचे की डिस्टेंस बदल सकती है, लेकिन उस खास लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसमें x की डिस्टेंस नहीं बदल सकती है, आप कहीं भी उस लाइन पर भ्रमण कर लो। उसी तरह से अगर हम बोले कि ये वाला जो पैरेलल लाइन L2 है उसका इक्वेशन बताओ, तो हो सकता है कि उसका इक्वेशन x = 4 लिख दें, बिकॉज ऑफ कि उसकी डिस्टेंस 4 यूनिट पे है और वो ऊपर नीचे कहीं भी चले जाओ वो 4 यूनिट ही रहेगी। तो ये तो हो गया ये कहानी। अब x एक्सिस का इक्वेशन अगर हम पूछते हैं तो क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, बिकॉज ऑफ कि आप x एक्सिस पे चलते जाओगे, चाहे यात्राएं कितनी भी दूर कर लो लेफ्ट राइट में, थोड़ा भी ऊपर थोड़ा भी नीचे नहीं गए होगे। तो x एक्सिस की लाइन की प्रॉपर्टी ही हो गई कि आप ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे हो, मतलब हमेशा x तो बदल रहा है लेकिन y नहीं बदल रहा है, y = 0 रह रहे हो।
उसी तरह से अगर ए वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ कि आप ऊपर नीचे चलोगे, है ना, ऊपर नीचे जब चलोगे तो आप राइट लेफ्ट नहीं चलते हो, तो एक्स बराबर जीरो। तो ये बेसिक सी थी। चलिए तो आप हेडिंग डालिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा कि एक आपको पॉइंट दिया रहेगा एक्स वन वाई वन, और एक स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा जिसका स्लोप दिया रहेगा, यानी कि स्लोप यानी कि टेन थीटा यानी कि एम। आपको मालूम होगा कि हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप के बारे में बताए थे कि वो एम है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, इसका स्लोप एम दिया गया और एक पॉइंट दिया गया एक्स वन वाई वन, तो वो लाइन फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि अगर पॉइंट दे दिया गया है तो उसी से पास करेगा। अब मान लो पॉइंट दिया है तो वो घूम भी सकता है, ऐसे ऐसे घूम भी सकता है, लेकिन अगर हमने स्लोप दे दिया तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो अगर एक बार स्लोप अगर ऐसा हो गया है कि ऐसे, तो वो फिक्स हो गई, और पॉइंट क्या कर दिया, उसको लोकेशन को फिक्स कर दिया। नहीं तो लाइन तो पैरेलल बहुत सारे हो सकते हैं, ये सबके स्लोप बराबर हैं, ये सबके स्लोप बराबर हैं, लेकिन एक पॉइंट दे देने से वो लाइन अब हट नहीं सकता इस लोकेशन से। तो इस लाइन का इक्वेशन तो अब निकल जाएगा, क्योंकि वो लाइन जो है वो यूनिक हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन का हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, अब देखना। अब यहाँ पे ये देखना है कि कैसे काम करते हैं। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्लोप दिया है m और एक पॉइंट दिया है x1 y1, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्या कर लो कि x एक्सिस बना लो, तो इसका मतलब ये आपका टेन थीटा है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का सारा पॉइंट को सेटिस्फाइड करे, लेकिन उसके अलग अगर कोई पॉइंट रखा जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं करे। तो आप क्या करो कि उसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मान लो x, y मान लिए, क्योंकि वो x और y को हम बोलेंगे कि वो इसी लाइन पे भ्रमित कर रहा है, भ्रमण कर रहा है ऊपर से नीचे तक कहीं भी, तो x और y ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट मान लोगे 2.4 या 3.4 तो वो तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। तो आप x y क्यों मान रहे हो, क्योंकि x y से वो होगा कि वो लाइन पे भ्रमण करने वाला पॉइंट होगा, लेकिन x y तो आपका प्लेन में भी हो सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, यही दे देना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि हम गारंटी देंगे ना कि ये स्ट्रेट लाइन पर ही वो पॉइंट है, तो वो गारंटी देना ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब कैसे लिखेंगे, तो एक पॉइंट हम एक्स वाई मान चुके हैं, एक पॉइंट हमें एक्स वन वाई वन दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स वाई से एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे जो कि 90 डिग्री पे एंगल पे बनेगा, वर्टिकल लाइन खींच दिए। अब जरा सोचो कि अगर ये थीटा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो बना है वो भी थीटा होगा। अब अगर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, समझने की कोशिश करना, तो दोनों तो सेम होगा। तो यहाँ से हम टेन थीटा निकालते हैं और यहाँ पे हमको टेन थीटा एम पता है, इस लाइन का स्लोप एम दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एम इज इक्वल टू वहाँ से टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वहाँ से वाई माइनस वाई वन, बिकॉज ऑफ यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट इतनी हाइट वाली दी हुई है और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दी हुई है, तो पूरा डिस्टेंस वाई, और यहाँ का जो वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ वाला वो कितनी है आपकी वाई वन। तो क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस वाई वन और नीचे एक्स माइनस एक्स वन, आपको स्लोप निकालने बताए थे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यही आपका इक्वेशन हो जाता है। ये इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और y1 कर दो तो बराबर y माइनस वाई वन, इसको पहले लिख दो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच अ गिवन पॉइंट x1 y1 इज गिवन एंड स्लोप m, ठीक है ना। तो ये पॉइंट स्लोप कंप्लीट हो गया, ये इक्वेशन को आप याद रखोगे। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन करा देते हैं कि 2.3 से पास करता हुआ लाइन और स्लोप हम अगर दे दिए मान लो 5, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये y1 होता है और ये x1 होता है, स्लोप दिया है, इसमें वैल्यू प्लग इन कर दो, y माइनस y1 के जगह पे 3 और m के जगह पे 5 और x के जगह पे x रहेगा, क्योंकि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना ही होता है, तभी तो लाइन पे वेरी होगा ना, x y रहेगा तो, नहीं तो फिर 5 = 5 हो जाएगा। तो x माइनस x1 के जगह पे 2 रख दो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x - 10। अब एक साथ कर सकते हो, 5x y को उधर ले जाइए माइनस y, माइनस 3 को उधर ले जाइए प्लस 3, तो -7 उस लाइन का स्लोप दिया रहेगा और एक वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा जो कर्व है, समझना हमारी बात को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। तो अगर हमारा लाइन ऐसे इंटरसेप्ट किया तो इसका स्लोप हमें दिया रहेगा, और साथ ही साथ
ये जो y इंटरसेप्ट है, केवल y इंटरसेप्ट मान कि y में कितना कट किया है वो हमको दिया रहेगा 0, c, मतलब ये c यूनिट है। तो एक्चुअल में अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों लिखते हो, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है और ये y कोऑर्डिनेट तुम्हारा c हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये y इंटरसेप्ट अगर दिया रहेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, क्योंकि कोई भी y एक्सिस पे पॉइंट लोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहती है। तो अगर ये y इंटरसेप्ट दिया हो, अगर स्लोप m दिया हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। आप कहोगे ये कैसे? तो हम कहेंगे देखो, अभी अभी तुम पॉइंट स्लोप पढ़ के आए हो कि अगर लाइन का स्लोप m मालूम हो और y इंटरसेप्ट अगर आपको 0, c मालूम है, मतलब एक पॉइंट मालूम है 0, c, तो एक पॉइंट और एक स्लोप से हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? हम इक्वेशन लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x वन। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन की जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसको आप x वन मान लो, इसको y वन मान लो। तो y वन c हो गया और m हो गया m, क्योंकि m तो दिया ही है, और x माइनस x वन की जगह पे आप 0 रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस c बराबर mx, क्योंकि m का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, आप c को उधर भेज दो, तो y बराबर बन गया ना mx प्लस c। तो यानी कि अगर LHS में केवल y का कोफिशियंट 1 हो और y बराबर अगर mx प्लस c दिया हो, यानी कि इस तरह से कुछ, y बराबर अगर 3x प्लस 2 दिया हो, तो इस 3 को समझना कि उस लाइन का स्लोप है और इस 2 को समझना कि वो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब कि स्ट्रेट लाइन y को कितनी यूनिट पे कट कर रही है। यानी कि अगर ये देखो, y बराबर अगर मान लो 3x माइनस 2 हो, तो ये समझना है कि स्लोप तो 3 था लेकिन y इंटरसेप्ट माइनस 2 था, और माइनस 2 का मतलब कि कुछ इस तरह से ये 3 यूनिट नीचे कट करेगा और इसका स्लोप m, सॉरी 2 यूनिट नीचे कट करेगा और इसका स्लोप m जो है वो 3 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर y का कोफिशिएंट 1 होगा तब, जैसे अगर मान लो कुछ इस तरह से लिख दिया जाए कि 2x प्लस 3y बराबर माइनस 5, अब बताओ कि स्लोप क्या है, तब तो दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम y को अकेला करने का कोशिश करेंगे। तो y को अकेला करने के लिए क्या करना होगा? हमें सबको RHS में भेजना होगा y के अलावा। तो कितना होगा? 3y इज इक्वल टू माइनस 5 और फिर माइनस 2x। अब तो माइनस 2x पहले लिख लो फिर माइनस 5 लिख लो, 3y बराबर, तो y बराबर क्या होगा? ये 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इधर 3 से डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा, इधर माइनस 2 बाई 3 इंटू x और माइनस 5 बाई 3। तो अब ये तुम्हारा स्लोप हो जाएगा, क्योंकि y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दो, x के जो बगल में जो रहता है वो m होता है, तो ये m हो गया, यानी कि माइनस 2 बाई 3। और y इंटरसेप्ट यानी कि c, y इंटरसेप्ट यानी कि c, वो कितना हो गया आपका? माइनस 5 बाई 3। ये समझने वाली बात थी। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो चलिए अब हेडिंग डालिएगा टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कि अगर आपको दो पॉइंट केवल दिया रहा है, x1 y1 x2 y2, तो उसे एक लाइन पास करेगा, पक्का ना? अब अगर ये x1 y1 और x2 y2 से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि दो पॉइंट दे दिया तो लाइन यूनिक हो गई, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो बस एक ही चीज़ जो पढ़े हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसी से हम सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? हमको ये मालूम होता है कि अगर हमें स्लोप मालूम चल जाए और एक पॉइंट मालूम चल जाए, तो हम y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x वन, उसका इक्वेशन लिख देते हैं। अब अगर तुमको जरा सोचो कि x वन वाई वन और x टू वाई टू हमको दो पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि x वन वाई वन और x टू वाई टू से पास करने वाला लाइन है। तो स्लोप के लिए आपको क्या करना होता है कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया हमारा, और एक पॉइंट x1 y1 भी तुम्हें गिवन है, x2 y2 भी गिवन है ना? तो दोनों तरफ से अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो दोनों तरफ से आप इक्वेशन लिख सकते हो। अगर पहला इक्वेशन में y1 और x1 यूज करना चाहो तो y माइनस y1 बराबर m के जगह पे आप ये लिख दो पूरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। एक बच्चा कह सकता है कि सर हमारा दिया हुआ पॉइंट x2 y2 भी तो है, तो हम x2 y2 को भी एक पॉइंट हमें दिया हुआ मान सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या लिख सकता है? y माइनस y1 के जगह पे y2 लिखेगा और x1 के जगह पे x2 लिखेगा, बाकी सेम रखेगा, क्योंकि स्लोप तो अभी भी मालूम है उसे। तो y माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। क्या दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तुम उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और छोटा सा रूप बना लो, जनरल फॉर्म टाइप, यानी कि उसमें ax नजर आए, by नजर आए और c नजर आए, तो तुम पाओगे कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दोनों तरफ से सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये टू पॉइंट फॉर्म भी कंप्लीट हो गया हमारा। इक्वेशन कैसा नजर आएगा तुम्हारे सामने है। अब चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको हम बता दें
कि अब ये इसके बाद हमारा एक और पार्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मात्र और मात्र एक पॉइंट आपका बच जाता है, और वो पॉइंट है क्या आपका, एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बाद तुम्हारा टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि एक्स एक्सिस दिया रहेगा, वाई एक्सिस दिया रहेगा, और एक लाइन इस तरह से मान लो इंटरसेक्ट किया, तो आपका एक्स एक्सिस में भी कुछ इंटरसेप्ट किया होगा, वो मान लेते हैं ए यूनिट, वाई में भी कुछ इंटरसेक्ट कट किया होगा, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं कितना, बी। तो एक्स इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं, वाई में जो इंटरसेप्ट करा उसे बी मान लेते हैं। तो जरा सोचो कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, वाई एक्सिस पे जहां कट किया है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा बी। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे। अब दो पॉइंट हमें दे दिया तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, कैसे, तो अभी अभी टू पॉइंट फॉर्म पढ़ के आ रहे हैं, वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब क्या कर लो आप, आपको एक पॉइंट क्या दिया गया है, ए कॉमा जीरो, और एक पॉइंट दिया है जीरो कॉमा बी, तो आप इसे मान लो एक्स वन वाई वन और इसे मान लो एक्स टू वाई टू। अब वैल्यू को प्लग इन कर दो, वाई और एक्स यह जिंदा रहता है, इसमें वैल्यू प्लग इन नहीं होता है, एक्स वन और वाई वन के जगह पे बस, तो वाई माइनस वाई वन के जगह पे जीरो कर लो, वाई टू माइनस वाई वन क्या होगा तुम्हारा, ये वाई टू है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वो कितना है, बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन के जगह पे आप ए लिख दो। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वाई बराबर कितना हो गया, बी वाई बताएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ए वाई होगा, ये माइनस बी एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस ए बी होगा। अब क्या करते हैं, इसको एल एच एस में खींचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब दोनों तरफ तुम ए बी से डिवाइड कर दो, तो जब इधर ए बी से डिवाइड करोगे तो बी भी कट जाएगा, और ए बी से डिवाइड किया हो तो ए और बी दोनों नीचे मौजूद था, तो एक्स बाई ए बचेगा, प्लस ए बी से डिवाइड करोगे ए कटेगा बी बचेगा, यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे वन आएगा। तो ये इक्वेशन कहलाता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए मालूम हो, वाई इंटरसेप्ट बी मालूम हो, तो उसका इक्वेशन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है एक्स बाई ए वाई बाई बी बराबर वन। यानी कि अगर एक्स इंटरसेप्ट टू यूनिट हो, वाई इंटरसेप्ट तीन यूनिट हो, तो इक्वेशन क्या लिख दोगे, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई, जो भी बोले हैं एक्स अगर इंटरसेप्ट टू बोले हैं, वाई इंटरसेप्ट तीन बोले हैं, तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन। ठीक है, और अगर मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट में वो लेफ्ट में कट कर दे तीन यूनिट, तो माइनस तीन यूनिट हुआ, वाई में अभी भी प्लस ही कट किया है चार यूनिट, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स बटे एक जगह पे माइनस तीन रखना, क्योंकि अब एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव हो चुका है, तो एक्स बटे माइनस तीन और वाई बटे चार, क्योंकि वाई में तो अभी भी ऊपर हो, इज इक्वल टू वन। और उसको फिर रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो जो भी इक्वेशन लिखना है, तो ये भी कंप्लीट हो गया है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देगा तो भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी बराबर वन। अब आते हैं, अब देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा समझने की कोशिश करना। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया रहेगा, चलो हम बना देते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी स्ट्रेट लाइन तुम्हें ये दिया है, जो भी स्ट्रेट लाइन तुम्हें ये दिया है उस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p देगा, आप देख पा रहे होगे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p यूनिट। ओके, अब उस p डिस्टेंस का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल देगा, यानी कि ये थीटा है मान लिए, क्या मान लिए, एंगल थीटा। यानी कि अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, यानी कि आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा कि तीन यूनिट पे वो स्ट्रेट लाइन है, तो तीन यूनिट पे स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारा हो सकता है, अगर हम बोलें तो ओरिजिन से तीन यूनिट पे ये भी है, 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 तो अलग अलग लाइन हो गया ना, अलग अलग लाइन थोड़ी लिखना है। तो इसीलिए तो आपको एक और भी चीज़ दे रहा है, क्या, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये आपको दे दिया पी यूनिट और ये एक एंगल भी दे दिया थीटा, कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, या अल्फा बोल दो, अल्फा बोल दो, अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब ये अल्फा दे दिया तो ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूम नहीं सकता, परपेंडिकुलर नहीं घूमेगा तो ये लाइन हट नहीं सकता है, तो
अब ये इक्वेशन कैसे लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत आसान है। ये 90 डिग्री है जी, मानते हो ना ये 90 डिग्री है जी। आप क्या कर लो, इसको मान लो, इस कोऑर्डिनेट को मान लो कि एक पॉइंट हमें एक्स वन वाई वन दिया है। अब एक्स वन वाई वन निकालने की दे रही है जी, है ना। तो आप क्या करो, ये पी माने की कोई, ये परपेंडिकुलर माने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप नॉर्मल डालो, परपेंडिकुलर डाल दिए। अब इस ट्रायंगल में अगर एक ये ट्रायंगल देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल तुम्हारा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है ना। आप बगल में भी फिगर देख सकते हो, अल्फ़ा दिया है ना। तो अगर हम बोलें कि साइन अल्फ़ा क्या होगा, तो साइन अल्फ़ा के लिए आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यूज करोगे। तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये तो ये वाई वन है तुम्हारा, तो ये वाई वन हो गया। और हाइपोटेनस क्या है, ये तुम्हारा, ये आपको जो पी यूनिट दिया है परपेंडिकुलर ओरिजिन से, वो पी होगा। तो वाई वन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी को इधर भेज दो तो पी साइन अल्फ़ा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो तुमको ए एक्स वन निकालना है, तो तुम कॉस अल्फ़ा ले लो, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा तुम्हारा, ये एक्स वन, और हाइपोटेनस होगा तुम्हारा ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा एक्स वन का वैल्यू निकालने के लिए पी को इधर भेजना होगा, तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया कि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है पी कॉस अल्फ़ा और एक कोऑर्डिनेट है पी साइन अल्फ़ा, तो इसका मतलब हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। यही तो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो एक पॉइंट मालूम है और एक क्वेश्चन है कि स्लोप क्या होगा, एक पॉइंट तो मालूम है लेकिन स्लोप क्या होगा। तो स्लोप के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा, और आई होप कि तुम्हारे पास दिमाग है ना। तुम क्या करो कि ये एंगल तुम्हें अल्फ़ा दिया है और ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये 90 डिग्री और प्लस अल्फा होगा। और स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी जो लाइन का स्लोप निकालना है उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिया हुआ एंगल का टैन, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा टैन ऑफ 90 डिग्री और प्लस अल्फा। यानी कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट अल्फा, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाते हो, 90 डिग्री प्लस अल्फा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, तो टेन का 90 होने की वजह से कॉट हुआ और नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। तो स्लोप मालूम चल गया, पॉइंट मालूम चल गया, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन की जगह पर आप क्या लिखोगे, पी साइन अल्फा, और एम की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस कॉट अल्फा। आप कहोगे तो टेन थीटा होता है, तो भैया एम का वैल्यू माइनस कॉट अल्फा आया है, क्योंकि टेन ये लेने से ये आ गया है। और x माइनस एक्स वन, तो इन टू में क्या करोगे, x माइनस एक्स वन के जगह पे आप लिखोगे पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा। तो थोड़ा सा मिटा के सिंप्लीफाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस कॉट अल्फा को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू, आप कॉट अल्फा को ये भी लिख सकते हो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो वो लिख के ही अंदर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू एक्स अपॉन साइन अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर कॉस अल्फा है यहाँ पे और साइन अल्फा है, तो पी में गुना होगा जब, तो पी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और नीचे तो अभी भी साइन अल्फा ही रहेगा, ठीक है। तो एक काम करो, साइन अल्फा जो यहाँ आएगा ना उसको इधर भी भेज दो आप, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। यहाँ पे आप क्या कर लो कि यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स कॉस अल्फा लिख सकते हो और प्लस ऑफ पी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, और पूरे डिवाइड में आपको मालूम है कि साइन अल्फा आएगा, उस साइन अल्फा को इधर भेज दो, तो वाई इंटू साइन अल्फा माइनस पी इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब एक्स वाली क्वांटिटी को एक तरफ करो, एक्स वाई वाला, और नंबर्स को एक तरफ, तो पी साइन स्क्वायर अल्फा को उधर भेज देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस में, तो एल एच एस में आएगा, तो क्या आएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस में हुआ और ये पहले से प्लस में वाई साइन अल्फा है, तो वाई साइन अल्फा, और बराबर के उधर ये जब जाएगा तो ये बन जाएगा पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पी कॉमन ले लोगे तो तुम्हें ब्रैकेट में दिख जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है नॉर्मल फॉर्म में। इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा चार यूनिट मान के चलो, और ये एंगल मान लो अल्फा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री दे देगा, और कहेगा कि आप उस परपेंडिकुलर जो लाइन नॉर्मल फॉर्म में दिया उसका इक्वेशन निकालो। तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हो,
डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, बस कॉस अल्फा की जगह पर क्या लिख दोगे, कॉस 30 डिग्री, और प्लस वाई इंटू साइन अल्फा की जगह पर साइन 30 डिग्री, और पी की जगह पर परपेंडिकुलराइजेशन जो चार यूनिट है। तो ये क्या आ जाता है, रूट अंडर 3/2, तो एक्स इंटू रूट अंडर 3/2 प्लस वाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3x प्लस वाई और इज इक्वल टू 4 × 8, क्योंकि यहाँ का एलसीएम जो 2 है वो बराबर के उधर चला जाएगा। आई होप कि ये नॉर्मल फॉर्म भी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझते हैं, दिस इज द फाइनल, एंड उस देन समझेंगे कि एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखते हैं और नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है, ओके।